दिन के काम के बाद हम चले हैं रामफल, नहीं रामफल नहीं, कहाँ चले हम? केएम चौक चले, केएम चौक है, केएम चौक है, केएम चौक है, तो केएम चौक चले, वहाँ पे कोई सामान वगैरह ठीक कराना है, वो देने जा रहे हैं। देख ही नहीं रहा अभियान, फोन ही नहीं देख रहा, वैसे घर में इसको 24 घंटे फोन देखना है, वैसे अब इसको फोन नहीं देखना है, मैचिंग हो गया हमारा। और मैं जो घड़ी यहाँ पे देखे गई थी अपनी वॉच हिमाचल जाने से पहले जो मेरे को पहननी थी स्पेशली, वो मैं देखे गई थी ठीक होने, वो तब तो मिल नहीं पाई थी क्योंकि उस टाइम जो शॉप थी वो बंद थी जब मैं लेने आई थी, और उसके बाद मैं भूल ही गई बिल्कुल ही लेना उसको, और अब मैं आ जाई हूँ, मतलब 2 महीने हो गए शायद उसको यहाँ पे पड़े हुए, अब मैं आ जाई हूँ वॉच लेने, और तब मैंने भैया को बोल दिया था भैया मुझे तो 2 दिन के लिए 2 दिन के अंदर अंदर ही चाहिए, तो अब ये मेरा मजाक उड़ा देंगे, ये तो 2 दिन बोल रही थी आई 2 महीने बाद है, चलते हैं लेने। तो वॉच मिल गई है मेरे को, और अंकल ने इतनी इंक्वायरी बिठा दी मेरे ऊपर कि क्या था आपका नाम, क्योंकि स्लिप मैं लेके नहीं आई, स्लिप जो थी वो हमारी दूसरी कार में पड़ी हुई है और हम दूसरी कार लेके आए हैं पापा वाली, तो उन्होंने इतनी इंक्वायरी बिठा दी कि आप मतलब क्या नाम है, क्या नंबर था, आपकी स्लिप कहाँ है, ये है वो है, फिर फाइनली उन्होंने दे ही दिया, क्योंकि उस पर अंकुश का नंबर डाला हुआ था, मैंने अपना नंबर बताया, कहते नहीं नहीं आप गलत नंबर बता रहे हो, आपकी वॉच नहीं है, फिर मैंने अंकुश का नंबर बताया तो उस पर अंकुश का नंबर डलवाया हुआ था मैंने, तब जाके उन्होंने वॉच दी है मेरे को वापस। तो इसमें ग्लास डलना था और सेल डलना था, मिल गई है फाइनली। तो काम करते करते घर पे याद ही नहीं रहा कि हमने लंच ही नहीं किया, तो अभी जहाँ पे हम सामान लेने के लिए आए थे वहाँ पे रास्ते में मैकडी था, तो फिर मेरे को मन कर गया मैकडी जाने का, क्योंकि भूख तो लगी रही थी, क्योंकि भूल गई सुबह चाय और मैक्रोनी खाई थी थोड़ी सी, उसके बाद लंच किया ही नहीं खा के चक्कर में, और 7 बज गए, मतलब अंकुश और मम्मी नीचे हैं क्योंकि अभियान सो रहा है, और हम मैं आ गई ऊपर सामान लेने के लिए, तो यहाँ से हम लोग, मैं टेक अवे कर रही हूँ ऑर्डर, और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे घर। और यहाँ पे सेक्शन में फ़िलहाल कोई टॉय मुझे दिख नहीं रहे थे, यही है बुक है यहाँ पे इस बार हैप्पी मील में, तो हैप्पी मील लवर्स ये ले सकते हैं। और यहाँ पे चल रही है पैकिंग, मुझे नहीं पता मेरा वाला कौन सा पैक हो रहा है, लेट्स सी। इन्होंने बोला है कि मेरा ऑर्डर ऑलरेडी पैक हो चुका है, बट एक सॉफ्ट सर्व फ़ोन लिया था मैंने, वो फ़ोन कोई और लेने गया हुआ है नीचे क्योंकि काउंटर पे ख़त्म है, तो फ़ोन लेके आ जाएंगे हम खा के और फटाफट निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये हो रखा है पैक ऑर्डर हमारा, फाइनली ऑर्डर मिल गया हमारा, इसके लिए मुझे इतनी देर वेट करना पड़ा, बाकी ऑर्डर तो पहले से ही हो रखा था। ये लोगों ने खाए हैं गोलगप्पे, मैं धीरे से बोल रही हूँ क्योंकि अभियान सो रहा है, मैं गाड़ी में हूँ, मैं तो मैकडी से सामान लेके आई थी, पर अब ये इनको है थोड़ा चाट पापड़ी खाने का हिसाब किताब, तो इनके चल रहे हैं गोलगप्पे बाहर, और इसके बाद अब जाएंगे हम लोग घर। तो ये गोलगप्पे वाला जो है यहाँ खड़ा होता है, अभी पहले मैं पूछ के बताऊँगी, पहले तो हम कहीं और से खाते थे, ये नए भैया से हमने खाने शुरू करे हैं, बताती हूँ अभी इन लोगों से पूछ के कि कैसे हैं ये। अरे खा तो लिया, ये अच्छा है गोलगप्पे वाला, अच्छा है। उससे बढ़िया जो वो वाला वहाँ खड़ा होता है, सेम है, कोई प्रॉब्लम। पानी अच्छा था, ना खट्टा था ना मीठा, और ना ही ठंडा बहुत, मतलब बढ़िया है। हाँ। तो ये वाला जो गोलगप्पे वाला है ये बैठता है अक्षरधाम में, सेक्टर 11 की जो मार्केट है इसके अपोजिट अक्षरधाम अपार्टमेंट है, अक्षरधाम ही है नहीं, तो सेक्टर 11 की जो मार्केट है इसके अपोजिट है अक्षरधाम अपार्टमेंट, तो ये गोलगप्पे वाला बैठता है बिल्कुल इसके गेट पे वैन लगा के, तो जिसको गोलगप्पे बहुत पसंद है, गोलगप्पा लवर्स कैन कम हेयर एंड हैव इट, गोलगप्पाज अच्छा है। हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग, ये मेरे हाथ में आज रामपुरी है, टुडेज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज इसके साथ। ये क्या है, तो बबल्स काट करके एक ब्रांड है, इन्होंने बेबी सोप्स निकाले हैं, जो सोप है हैंडमेड, तो नेचुरल सोप्स हैं, तो अब मैं कर रही हूँ इसकी अनबॉक्सिंग, और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, जो मैंने रिव्यूज देखे थे लोगों के इतने अच्छे लग रहे थे, अब इसको खोलते हैं। पैकिंग देखो, तो ये है देखो बबल्स काट, बबल्स काट,
तो ऐसी पैकिंग में आया है। इसको बनाते थे किस किस के डालने? पांच भाई बनाओ हमारे लिए। नहीं करना भी मिलता है। और हमने अब इसको खोल दिया है। थैंक यू फॉर शॉपिंग। नोट हुई किसी ने लिख के भेजा है, देखो डोंट कीप ऑल द सोप्स ओपन, ओपन ओनली व्हेन यू आर यूजिंग इट, कीप शॉपिंग फ्रॉम अस बबल्स कार्ट। अच्छा तो ये खोलना नहीं है जब तक आप यूज नहीं कर रहे, कोई पैकिंग में होगा। तो ये डोनट, ये मैंने ब्लू डोनट ऑर्डर किया था, ये हो गया वन। सेकेंड इज बेबी एंजल, एंजल लेके क्या है ये, टू ओ भाई ये देखो यार ये सोप है। बेबी फूड हैवी है, हैवी ये देखो हैवी है, ये ऐसे लाइट नहीं है, ऐसे तो पता नहीं लगेगा पर यार ये बड़े प्यारे सोप है, मेरे को तो समझ नहीं आ रही यूज कैसे करेंगे हम इसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबके लिए सरप्राइज है, घर में भी किसी को नहीं पता है मैंने क्या मंगाया। ये देखो तो ये है आइसक्रीम और इस पे लिखा है अभियान, देख रहे हैं देखो। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा इनका कॉन्सेप्ट यार। अगर किसी को ऑर्डर करना है ना तो ये यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम पे देख के किया था, तो ये यहाँ पे अभियान मैंने करवाया है, यहाँ पे आप पूरा पूरा हैप्पी बर्थडे या कुछ कुछ भी लिखवा सकते हो, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने तो ये पांच ही बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट किए हैं। नहाऊंगी नहीं लेकिन मैं इससे, ना किसी को नहाने दूंगी मैं इससे, I don't think so। ये मैं लॉकर में रख दूंगी बैंक में जाके। मेरा तो दिन बन गया आज ये सोप देख के, थैंक यू बबल्स कार्ट, क्योंकि ये सोप बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग, मतलब ऐसा देख के लग नहीं रहा कि इसको मतलब नहाने के लिए यूज़ करना है, मेरे को ऐसा लग रहा है इनको शोपीस में ऐसे ऐसे कहीं कहीं पर लगा दूँ मैं, टीवी की ट्रॉली 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 पे, लग रहा मम्मी आपको इससे नहा पाए कोई बंदा, इतनी प्यारी सोप है कैसे नहाएंगे इससे। मम्मी क्या रिव्यूज है आपके, इतने सुंदर सोप, आपको पता था ऐसा भी हो सकता है साबुन के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं पता था इस बारे में, इससे तो नहा ही नहीं सकते, ये तो बस शोकेस में लगाने के लिए है। मैं भी वही कह रही हूँ, नहा तो सकते नहीं, नहाए कैसे इससे, इससे नहीं नहा सकते। अभी तो मम्मी ऐसे था, वो पूरे एक टोकरी में बैठा वो बच्चा बना हुआ था, वो तो मैंने मंगाया नहीं, मुझे पता था वो तो कैसे भी नहीं यूज कर पाऊंगी। नहाने का कुछ भी नहीं है, बोल दो कंपनी वालों को नहाने के लिए क्यों बनाया तो शोपीस है। तो अभी मैं चली ड्रेस देखने, गाड़ी खुद चलानी पड़ेगी क्योंकि घर पे किसी को तो रहना पड़ेगा, तो मम्मी और अंकुश घर पे हैं, तो मैंने अपनी सिस्टर को बुला लिया है, तो वो चल रही है मेरे साथ, तो हम जा रहे हैं ड्रेस देखने के लिए, अकेले तो कुछ समझ नहीं आएगा मेरे को, होपफुली मिल जाए कुछ, ज़्यादा घूमना ना पड़े, मेरे से नहीं घूमा जाता, बाकी देखते हैं। तो हमारे एक और जगह सुंदर सी लड़की खड़ी है यहाँ पे, तो हमारे एक और जगह दो शॉप्स हम देख के आ चुके हैं, वहाँ कुछ पसंद नहीं आया, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और हमें पसंद आ रहा है तो। ये अच्छे हैं यार पर हमें ये नहीं चाहिए, ये किसी की शादी में लेंगे हम। वाह किसी को लड़की की तलाश है, यहाँ पे है एक। तो हमने चार पांच जगह घूम फिर के कर लिया ड्रेस फाइनल, तो फाइनली ड्रेस हमारी फाइनल हो गई है, और उसको थोड़ा सा ऑल्टर होने के लिए दे दिया उसको, जो स्टिचिंग वगैरह रह जाती है, तो अब वो दिखेगी अभियान के बर्थडे पे सीधा। क्या कहने हैं ड्रेस के बारे में आपके? ड्रेस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और मुझे
पर्सनली बहुत ब्यूटीफुल लगी। फोटो नहीं डाल रही मैं यहाँ पे तो आप देखेंगे, उसके लिए वेट करना पड़ेगा एक महीना, क्योंकि जून जुलाई 28 को अभियान का बर्थडे, तो वो तभी पहनेंगे हम। एंड को इंसिडेंटली हमें अबू के ड्रेस से मैचिंग ड्रेस मिल गई है इसके लिए। हाँ अरे हाँ, उसके ड्रेस का जो कलर है वही मेरे ड्रेस का कलर है, ऐसा मैं सोच के तो नहीं गई थी, पर मिला वही मेरे को।